जिज्ञासा के माध्यम से खुशी लेट्स टीआरएस क्लिप्स हिंदी हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी दोस्तों क्या होती है श्री विद्या श्री विद्या बहुत ही वास्ट टॉपिक है सबसे पहले लेकिन जैसा मैंने आपको सबसे पहले कहा कि देवताओं के मंत्र को मंत्र किया जा बोला जाता है और माँ के जो मंत्र होते हैं उन्हें विद्या बोला जाता है लेकिन श्री विद्या उसके श्री यंत्र आपने देखा होगा जी यंत्र के नौ आवरण रहते हैं और श्री विद्या के जो अधिष्ठात्री देवी है वो होती है माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी अच्छा मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़े अलग टर्मिनोलॉजी में बात करता हूँ एक होती है शक्ति एक होती है आदि शक्ति और एक होती है आदि पराशक्ति ठीक है और जब मैं यहाँ पे शक्ति की बात कर रहा हूँ तब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि शक्ति आदि शक्ति से कम है या फिर आदि पराशक्ति से कम है तीनों का लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस सेम है लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिम्पलीफाई करने के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ शक्ति की आप बात करिए तब आप शक्ति में यू कैन टेक यू नो चामुंडा माँ यू you नो know, जो बहुत सारे अवतार माने लिए जैसे कि नव दुर्गा ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा शैलपुत्री ये जो माँ के नव दुर्गा जो अवतार माने जाते हैं उसे हम शक्ति कह सकते हैं आदि शक्ति या फिर महाशक्ति जिसे हम कहते हैं वो स्वयं माँ पार्वती जिन्होंने अलग अलग स्वरूप धारण किए आदि पराशक्ति मतलब जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश जो हमारे त्रिदेव हैं उनके प्रादुर्भाव के लिए जिम्मेदार हैं जिनमें से ये त्रिदेव का प्रादुर्भाव हुआ प्रागट्य हुआ उनके साकार स्वरूप का प्रागट्य साकार मतलब फॉर्म विथ फॉर्म और निराकार मतलब फॉर्मलेस तो ये जब फॉर्मलेस थे लेकिन उनके साकार स्वरूप में लाने के लिए जिस शक्ति का उपयोग हुआ जिन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग किया वो है माँ पराशक्ति जो स्वयं माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी है बहुत ही सुंदर श्लोक है आ, ललिता सहस्र नाम में ब्रह्म ब्रह्मरूपा गोपत्री गोविंद रूपिणी संहारिणी रुद्र रूपा तिरोधान करीश्वरी माँ पराशक्ति मतलब ललिता महात्रिपुर सुंदरी जो श्री विद्या है जो जो स्वयं श्री माता है जो स्वयं श्री यंत्र है श्री जिन्हें जिन्हें कहा जाता है उन वे महाविद्या वो माँ ब्रह्मा के स्वरूप में सृष्टि का सर्जन करती है सृष्टि करती ब्रह्म रूपा गोपत्री गोविंद रूपिणी जो गोविंद के स्वरूप में आकर समग्र सृष्टि का पालन करती है और वही माँ रुद्र रूपा संहारिणी रुद्र रूपा रुद्र के तौर पर रुद्र के स्वरूप में आकर वही माँ संहार भी करती है तिरोधान करीश्वरी जब भी हमें कोई नई चीज़ का मान लो हमें नई बिल्डिंग बनानी है तो पुरानी बिल्डिंग को गिरानी पड़ेगी हमें अगर इनोवेशन करना है तो पुराना जो चीज़ होगा उसको गिराना पड़ेगा ख़त्म करना पड़ेगा उसकी साफ़ सफाई ज़रूरी है वैसे ही एक बार प्रलय होने के बाद पूरे ब्रह्मांड की जो साफ सफ़ाई पूरे ब्रह्मांड की जो एक यू नो क्लीनिंग प्रोसेस रहती है उसको तिरोधान करीश्वरी वो करने वाली भी माँ स्वयं है और बहुत ही सुंदर प्रागट्य कथा है मान ललिता सुंदरी की उनके साकार स्वरूप के प्रागट्य की कथा निराकार स्वरूप तो मैंने आपको बताया कि बिग बैंग के पहले कौन था अगर कोई मुझसे पूछे तो माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी जो एक बिंदु थोड़ी डेप्थ में बात कर रहा हूं अभी आई डोंट नो कितना ओके श्री यंत्र में आपने अगर बीच में ध्यान दिया होगा एक बिंदु है सबसे बीच में एक बिंदु आता है उसके बाहर बहुत सारे लेयर्स हैं, नाइन लेयर्स कहा जाता है ठीक है सबसे बाहर का लेयर त्रैलोक्य मोहन चक्र सबसे अंदर का जो बिंदु है जो डॉट उसे कहा जाता है सर्वानंदमय चक्र उस डॉट में मां निवास करती है उस डॉट को ही मां का ग्रह माना जाता है चिंतामणि ग्रह मां का घर शास्त्रों में आप एक बार ध्यान से सोचोगे ना डॉट से ही सारी चीजें शुरू होती है शुक्र बीज फीमेल शोणित बीज जिसे हम संस्कृत में शोणित बीज कहते हैं जो फीमेल एग्स होते हैं उसे शोणित नाम दिया गया है फीमेल का होता है शोणित बीज मेल का होता है शुक्र बीज अगर बीज ना हो तो क्रिएशन संभव ही नहीं है अगर बीज ना हो तो सृष्टि संभव ही नहीं है बिग बैंग के पहले जो बीज था जो एक एनर्जी का पिंड था अगर वो पिंड ना होता तो आज ये कुछ नहीं होता वो पिंड क्या है वो बीज क्या है वो बीज मां स्वयं ललिता महात्रिपुर सुंदरी है तो वहां से मां की एक प्रागट्य की कथा हमें मिलती है एक बार भंडासुर नाम का एक असुर था और भंडासुर ने तीनों लोगों में हाहाकार मचाया हुआ था और उसने देवताओं को भी हरा दिया था इंद्र आदि सारे देव हार चुके थे और सारे लोग भाग भाग कर राबेता मतलब हर बार की तरह भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के पास चले गए कि कोई सॉल्यूशन दो कैसे हराए आपने ही वरदान दे दे कि इनको सब पावरफुल बनाया हुआ है क्या करें अब इनका तो भगवान ने कहा कि ये तो हमारे बस की भी बात नहीं है क्योंकि इनको मतलब डिवाइन फेमिनाइन ही हरा पाएगी हम नहीं हरा पाएंगे तब जाकर एक सॉल्यूशन निकला कि सारे देवता अपनी शक्ति का अंश यज्ञपिड यज्ञ कुंड में डालेंगे और वहाँ से माँ के साकार स्वरूप का प्रादुर्भाव होगा तब तक माँ सिर्फ और सिर्फ अपने निराकार स्वरूप में ही थी ललिता महा सुंदरी मैं यहाँ पे पार्वती माँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं लक्ष्मी माँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सरस्वती माँ की बात नहीं कर रहा हूँ वो फे वो सारी फेमिनाइन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज वहाँ पे थी जो प्राइमोडियल मदर जिसे कहा जाता है जो सबसे ज़्यादा अल्टीमेट डिवाइन फेमिनाइन जिन्हें कहा जाता है स्वयं श्री विद्या ये स्वयं श्री विद्या तब तक साकार स्वरूप में नहीं थी तब तक वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मलेस ही थी अच्छा ये डिसाइड हुआ कि हम लोग यज्ञ कुंड में ये सारी एक एक साथ हम लोग डाल देंगे और सारी शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा और उनसे मिलकर जो शक्ति एक शक्ति का प्रादुर्भाव होगा प्रागट्य होगा वो शक्ति स्वयं लड़ेगी भंडासुर से और तब जाकर सारे देवताओं को निमंत्रण भेजा गया अमरावती के देवता इंद्र सूर्य अग्नि वायु वरुण ये सारे देवता आए फिर गणेश भगवान फिर अपने ब्रह्मा विष्णु महेश फिर जो भी सारे देवता लोग देवतागण हैं वो सारे वहाँ पे एकत्र हुए और उन्होंने अपने शरीर अपने देह में से एक एक अंग काट कर वहाँ बीच में एक बड़ा यज्ञ कुंड प्रज्वलित था उसमें अपने अंगों की आहुति दे दी और उनके दिव्यांगों की आहुति से एक दिव्य स्वरूप का प्रागट्य हुआ जि जिन्हें कहा गया श्री माता ललिता सहस्र नाम में सबसे पहला श्लोक ही यही है ओम श्री माता श्री महारागि श्रीमत् सिंहासनेश्वरी कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। ओम श्री माता श्री माता का प्रागट्य हुआ वहां से श्री माता श्री महाराग शी इज नॉट अ क्वीन वो रानी नहीं है हर एक महाराजा के पास अपनी महारानी होती है शी इज महारागी शी इज द एम्प्रेस ऑफ द यूनिवर्स उनके पास अपने राजा हो तो भी सही ना हो तो भी सही शी इज द श्रीमत सिंहा सिंहासनेश्वरी जिनका आसन इतना भव्याति भव्य है जो सिंह रूपी आसन के ऊपर विराजमान है वो है माँ आदि पराशक्ति उनका प्रागट्य हुआ और दूसरा जो मतलब लाइन है वो है चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्ता चिदग्नि मतलब चित्त रूपी अग्नि देवताओं की चित्त रूपी अग्नि में से उसको कुंड में हवन करने से जिसका प्रागट्य हुआ देवों का कार्य दे, देव कार्य समुद्यता देवों के कार्य को संपन्न करने के लिए जिनका प्रागट्य हुआ वो है माँ आदि पराशक्ति और वही है श्री विद्या और श्री विद्या को आप आ, मंत्र तंत्र और यंत्र तीनों से उनका पूजन हो सकता है श्री विद्या को मतलब मेरे जो गुरु हैं ओम स्वामी मैं उनके बारे में बाद में डिटेल में पूरा एक बात बताऊंगा लेकिन पंचदशी मंत्र उनके होते हैं श्रीविद्या के त्रयोदशी मतलब सॉरी त्रयक्षरी होता है और षोड़शाक्षरी त्रयक्षरी मतलब थ्री लेटर्ड मंत्र पंचदशी मतलब फिफ्टीन लेटर्ड मंत्र षोड़शी मतलब सिक्सटीन लेटर्ड मंत्र तो ये मंत्र के थ्रू होता है फिर होता है यंत्र जो हम श्री यंत्र घर पे स्थापित करते हैं अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में सारे के सारे लोग श्री यंत्र को सिर्फ और सिर्फ यही मानते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोगों को श्री यंत्र घर में स्थापित करना चाहिए लेकिन श्री यंत्र कितना विशाल है श्री यंत्र के श्री यंत्र से क्या क्या हो सकता है आपके जीवन में उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है और फिर आता है श्री यंत्र मतलब तंत्र श्री यंत्र का जिसके जिसे मतलब अगेन दक्षिणाचार वामाचार अलग अलग पद्धतियों से माँ की पूजा करके आप माँ को उनके उन्हें आह्वान कर सकते हैं उन्हें सिद्ध कर सकते हैं तो ये श्री विद्या बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में मैंने आपको एक चीज बताई और एक ही श्लोक जो पूरी श्री विद्या का मतलब आप कह सकते हैं कि सम है अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह जो असंख्य करोड़ों ब्रह्मांडों की जननी है वही है श्रीविद्यामेश निमेशोत्पन्न विपन्न भुवनावली माँ एक बार आँख जब दे तब तक करोड़ों ब्रह्मांडों का सर्जन हो जाता है उत्पन्न हो जाते हैं करोड़ों ब्रह्मांड और वही है श्री विद्या दोस्तों टी आर एस हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को टी आर एस हिंदी बहुत जल्द लौट